शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसमें एक न्यूमोनिक्स है जो मैंने लिखा है इंक पर नॉच। इसका मतलब है ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, जिसको डिस्कवर किया था थॉमसन ने, और पी मतलब प्रोटॉन, जिसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अरवा मतलब आर से कुछ आना चाहिए था पर आर जी से रहा है गोल्डस्टीन। बाकी ना से न्यूट्रॉन है, जिसको डिस्कवर किया था चैडविक ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे इन्होंने प्रेडिक्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। साथ ही साथ इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया, और ये बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भार होता है न्यूक्लियस का, वो इन दोनों से होता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है शेल्स में। इतना तो ठीक था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्टेबिलिटी बताना, रदरफोर्ड इसमें फेल हो गए। कैसे, इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, और जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा। अब वो क्या फोर्स होगी जो इसको बाहर खींचेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो उन्होंने बताया जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो इसको बाहर फेंकती है इलेक्ट्रॉन को, और ये दोनों फोर्स जो है आपस में बैलेंस होती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन पे अपने शेल्स में रहता है, इसे बाहर नहीं जाता। इतना ठीक था, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे ये अट्रैक्ट हो रहा है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपस में बैलेंस हो रही है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी शेल्स में रहता है, बैलेंस रहता है। पर इनका ये बताना गलत था। कैसे, वो इसलिए गलत था क्योंकि जो भी चीज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज कंटेन करे, वो रिवॉल्व करे, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट आउट करती है। इस इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो कम हो जाएगी, रेडियस इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फॉल कर देगा न्यूक्लियस में। इस तरह से क्या होगा, जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रेडियली जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाता है। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर सवाल खड़े हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेक्ट किया बोस पोस्टुलेट ने। इन्होंने क्या बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चलो ठीक है, लगती है बाहर की तरफ, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहता है, और इसमें कोई भी एनर्जी रेडिएट आउट नहीं होती, उससे न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो कम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स भी नहीं करता। इसी पर बेस्ड कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दिए थे बोस ने। उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हम लिखते हैं KZE²/R², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे हम लिखते हैं MV²/R, ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। इसके बैलेंस से एक इक्वेशन बनेगी, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर उन्होंने बताया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, और ये बराबर होता है NH/2π। अभी NH/2π कहाँ से आया, ये आया क्वांटम थ्योरी से। कहाँ से, क्वांटम थ्योरी से, और ये इसके बारे में बोस ने अपने पोस्टुलेट में बताया। हालांकि उन्हें क्वांटम थ्योरी की इतनी नॉलेज नहीं थी, पर उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, ये अनुमान लगाया जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम पुट करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी। अब इस आर में हम देख सकते हैं आर का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, N²H²/4πKZe²N। अब इसमें ज़्यादातर क्वांटिटीज़ क्या हैं, कांस्टेंट हैं, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट, H², 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Z ये कांस्टेंट नहीं है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये कांस्टेंट है, और M कांस्टेंट है। तो इन सब कांस्टेंट को मिलाकर के हम एक कांस्टेंट बना लेंगे, तो हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला होगा वो होगा R=0.529 × N²/Z। जो जितने भी कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू पे आई 0.529। अब हमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है। अब इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बताया, इसमें वही कोलंबिक फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। इस इक्वेशन को हम पहले भी देख चुके हैं, और इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर में जैसे लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 वो एंगुलर मोमेंटम से आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला,
फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2πkz e² nh/nh। तो इसमें जितने भी कांस्टेंट है उसकी अब हम एक कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.188 × 10⁶, और जो वेरिएबल है वो होगा zn मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी का भी मिल गया फॉर्मूला। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमें बताना है रेडियस का रेशियो बताना है, वेलोसिटी का रेशियो बताना है और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताना है। तो पहला क्वेश्चन है रेडियस का रेशियो, और वो किसके बीच में पूछा है, थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन और सिक्स्थ शेल ऑफ लिथियम प्लस टू। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही बता सकते हैं, इसलिए लिथियम प्लस टू। ये कैसे पता चला कि ये थ्री है और ये सिक्स है? यहाँ पे देख सकते हैं KLMNOP, के मतलब वन, एल मतलब टू, एम मतलब थ्री, एन मतलब फोर, ओ मतलब फाइव, पी मतलब सिक्स एंड सो ऑन। तो हमारे पास था एम जो जिसकी वैल्यू थ्री थी थर्ड शेल में, और हमारे पास था पी जिसकी वैल्यू है सिक्स, ठीक है। अब इसका जो हम प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे रेडियस का, वो किसके बराबर होता है, n²/z। अब इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू थ्री है यहाँ पर, थ्री, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर सिक्स है। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वन है क्योंकि हाइड्रोजन है, और लिथियम की क्या होती है, एटॉमिक नंबर थ्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 3:4 आएगा। अब जो हमारा बी पार्ट है उसको हम देखते हैं। बी पार्ट में है वेलोसिटी का रेशियो पूछा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन का और हीलियम प्लस का। इसका जो फॉर्मूला होता है उसका प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। Z की वैल्यू क्या है, जेड एच है मतलब वन है, और हीलियम की वैल्यू एटॉमिक नंबर इसका टू है। N की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है, वी थ्री, और यहाँ पे वी वन। वी थ्री और वी वन कैसे आया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया होगा, वन से लेकर के थ्री पर गया होगा, और यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन वन पर ही है। तो यहाँ पर थ्री आएगा और यहाँ पर वन आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1:6। अब लास्ट हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, जो कि ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट में, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर लिथियम प्लस टू है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर होती है, एन के बराबर होती है। एम बी आर हमें पता है किसके बराबर होता है, एन एच बाई टू पाई के बराबर। यहाँ पे एच बाई टू पाई क्या है, कॉन्स्टेंट, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर होगी, एन के बराबर। तो इसका हमें बस शेल नंबर लिखना है, तो शेल नंबर ग्राउंड स्टेट में तो मतलब वन वन होगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। थैंक यू।